आओ करें शत प्रतिशत मतदान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से अप्रोक्ष तरीके से करसोग के जनमानस में आने वाले मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम का आयोजन करसोग विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र ठाकुर के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम 10 से 10:30 बजे तक इनविटेशन कार्ड गतिविधि करवाई गई, जिसमें विद्यालय के लगभग 700 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों ने इतने ही इनविटेशन कार्ड अपने माता पिता परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप में देंगे और उनसे अपील करेंगे कि वह मतदान के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करें। अपने परिवार के मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चुनिंदा शब्द लिखकर निमंत्रण पत्र बनाएं, जिससे अप्रोक्ष रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ेगी और आने वाले मतदान दिवस के दिन शत प्रतिशत मतदान करने की ओर करसोग अग्रसर होगा। कार्यक्रम के तत्पश्चात 10:30 सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्वीप नोडल अधिकारी प्रोफेसर पंकज गुप्ता द्वारा वोट के महत्व और विद्यार्थियों की सहभागिता विषय पर प्रकाश डाला। करसोग निर्वाचन क्षेत्र में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे कि नुक्कड़ नाटक, विभिन्न प्रतियोगिताएं, सेल्फी पॉइंट्स, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत वार्तालाप के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी चुनाव आयोग के लोकल यूथ ऑन आइकन बनकर अपने क्षेत्र, गांव, परिवार में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने में मदद करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति अपने मताधिकार का आने वाले 12 नवंबर मतदान दिवस के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनरल ऑब्जर्वर डॉक्टर एम अंगुमुथु, भारतीय प्रशासनिक सेवा करसोग निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर, विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र एवं अनुमान अन्य गणमान्य लोगों, स्वीप अधिकारियों सहित पाठशाला के अध्यापक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के 10 विद्यार्थियों को रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर की ओर से स्वीप गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। बहुत अच्छी बात है। और श्यामू काका, हाँ बेटा, एक बात बताओ, इस बार तुम्हारे नाम का वोट कौन डालेगा भाई? इस बार मेरे नाम का वोट कोई नहीं डालेगा। क्या मतलब है? इस बार मैं अपना वोट खुद डालूंगा और एक पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार को दूंगा। अरे वाह, इस बार के चुनावों में तो विकलांगों में, बूढ़ों में, नौजवानों में एक अलग ही जोश भरा है। लगता है कोई चमत्कार होने वाला है। चमत्कार दोस्तों, पहली बार इतना बड़ा जनसभा वोट देने के लिए इकट्ठा हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे विधानसभा चुनाव में आज तक 65% वोटिंग नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 65% वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन हिमाचल प्लस न्यूज के लिए करसोग से राज सोनी की रिपोर्ट।